नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जब से पटना के राजीव नगर थाने में रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराया है, उसके बाद से ही रिया चक्रवर्ती जो हैं कटघरे में खड़ी हैं और अब एक नए सिरे से लोग ये सोच रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को प्रताड़ित करती थी और कहीं ना कहीं इसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इतना कुछ होने के बाद रिया चक्रवर्ती जो है वो खुद सामने आई हैं और मीडिया के सामने आकर उन्होंने बयान दिया है, साथ ही साथ उन्होंने मीडिया पर भड़ास भी निकाली है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मेरे खिलाफ एक एजेंडा जो है वो चलाया जा रहा है लेकिन मुझे पता है कि सत्य की जीत होती है। रिया चक्रवर्ती और क्या कुछ कह रही हैं आप पहले सुनिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. तो देखा आपने, रिया चक्रवर्ती जो हैं सीधा सीधा अपना गुस्सा निकाल रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं, जो बताया जा रहा है कि उन्होंने पैसे ट्रांजेक्ट किए, सुशांत सिंह राजपूत को वो प्रताड़ित करती थी, उन्हें मेंटली हरास करती थी, ये सब कुछ गलत है और वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें भरोसा है भगवान पर कि सत्य जो है वो जीतेगा, सत्य जो है सबके सामने जरूर आएगा। आपको बता दें कि पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें कई सारे सवाल उन्होंने लिखे थे और गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती करती थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि रिया ने उन्हें इतना अंडर कंट्रोल कर रखा था कि वो अपने परिवार से बातचीत भी नहीं कर पाते थे, दोनों के बीच कॉन्टैक्ट जो है वो नहीं हो पाता था। उसके बाद से ही अब बिहार पुलिस भी जो है वो हरकत में आई और बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची हुई है और मुंबई में अब नए सिरे से इसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रहा है। बिहार पुलिस ने अभी कई सारे लोगों से पूछताछ भी की है, बहुत सारी इसमें जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और अब जो है इस गुत्थी को जो पहले लग रहा था कि वो सुलझ जाएगा, बार बार जो है अब और भी ज़्यादा उलझता जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सच क्या है। जहाँ एक तरफ उन पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं तो रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि वो सत्य की जीत होती है और सच्चाई सबको पता चल जाएगा, तो अब ऐसे में एक कन्फ्यूज़न जो है इस पूरे मामले में क्रिएट हो चुका है। आपको बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने मुंबई स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद से ये चर्चा है और ये सवाल सबके मन में है कि आखिर सुसाइड के पीछे की वजह क्या है। फिलहाल पुलिस इस वजह को तलाशने में जुटी हुई है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।